को माल छूल भी आता है इससे या नहीं ऐसे कंटेंट क्रिएटर की बात करूँ सर्विस प्रोवाइडर नहीं सर्विस प्रोवाइडर तो ठीक है आपने एक चीज़ में एक्सपर्टीज़ आ गई आपने अपनी सर्विस बेचना शुरू कर दी आप अपवर्क पर बेचें फाइवर पर बेचें और बेतहाशा प्लेटफॉर्म है वहाँ से ले लें मैं बात करूँ एज ए प्योर कॉन्टेंट क्रिएटर की आप ऐसे ए कॉन्टेंट क्रिएटर जो है इसमें कोई माल चूल भी है या नहीं क्योंकि लोगों लोगों का परसप्शन ये है कि जिस दिन ताली वीडियो ऑन एयर होनी है तो बाहर जो है ना पोस्टमैन वो बैग लेके खड़ा होगा डॉलर का बैग आया वालों मैं पिछले दिनों ना एक वीडियो देख रहा था किसी ने ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी मोबाइल की सेंड की तो कोई एक लड़की थी लड़कियों के बड़े मासूमाना सवाल होते, जी होते जी। हैं तो वो सवाल कर रही थी सर अगर मेरी वीडियो पे एक व्यू आता है तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे तो जो उसका था या जिसे जो मुझे लग रहा था था वो कह रहा था आपको डी में एक प्लॉट मिलेगा कॉर्नर वाला वाला भी होगा मिलेगा साथ में आपको जो है वो मेंबरशिप मिलेगी क्लब की मेंबरशिप मिलेगी एंड साथ में तो ये जो है ऐसा नहीं है कंटेंट क्रिएशन में पैसा है बहुत पैसा है मैं मना नहीं करूँगा बिल्कुल इंकार हुँ. नहीं करूँगा एंड डेफिनेटली देर इज बट स्टार्ट आपको ज़रा हम्बल रहना पड़ेगा साल छः महीने और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और इसमें लाइक आप एक चीज पे अगर ट्राई करते, करते जाएंगे नहीं काम करें कुछ और ट्राई करें जो काम करता है उसमें पकड़ लें अच्छा कंसिस्टेंसी uh, uh, की आपने बात की जिस मर्जी कंटेंट क्रिएटर से पूछ लो वो एक ही गदर, गदर सिंह ही बताता है कहता है, जी सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है दैट इज कंसिस्टेंसी तो ये कितना रोल प्ले करती है आप देखिए कंसिस्टेंसी भी राइट right डायरेक्शन में हो एक्सैक्टलीट exactly, ये इतना ही important. हम कहते हैं अगर मैं कंसिस्टेंट हूं hmm. तो मैं भाई कामयाब बिल्कुल ऐसा नहीं होता मेरा एक स्टूडेंट भी रहा है और साथ में वो काम करता है जॉब वगैरह करता है साथ में कॉन्टेंट छोटे छोटे रील्स बनाता है फनी वीडियोज़ उसको दो तीन साल हो गए वीडियोज़ बनाते हुए ग्रो नहीं कर रहा ठीक है उम्र भाई मैं ग्रो नहीं कर रहा मैं इतना कंसिस्टेंट मैं डेली वीडियो लगाता हूँ मैं ग्रो नहीं कर रहा तो मैं उसके कंटेंट देखता हूँ मैं सर पकड़ लेता हूँ हु। कि यार क्यों तुम कैसे अब राइट डायरेक्शन में वो नहीं जा रहा है ठीक है अगर आप एक क्रैप बना रहे हैं वो नहीं चलेगा वो नहीं बिकेगा ठीक है ना अब बात आते हैं कंसिस्टेंसी कैसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी ये है कि आप डिफरेंट चीज़ें भी ट्राई करें एक आपका फॉर्मेट नहीं चल रहा दूसरा ट्राई करें तीसरा ट्राई करें चौथा ट्राई करें हमजा बट्टी से मेरी बात हो रही थी मैंने बोला तो फूड ब्लॉगिंग में कैसे आए तो ये तोड़मी के आए मैं उससे पहले कुछ चार पाँच साल पहले वीडियोस बना रहा था मुझे कोई नहीं जानता था ठीक है? है तो रमजान आया था मैं चाहता फूड ब्लॉगिंग करते हैं तो फूड व्लागिंग में उसकी कुछ वीडियोज वायरल हुई अब असूल ये है कि आप डिफरेंट चीजें ट्राई कर रहे हैं जो चीज आपकी हिट कर गई है हाँ, आप उसको पकड़ लें। करें उधर। उसमें consistency लाएं। सही। ठीक है, जो चीज आपकी चल गई है उसमें जब तक, नहीं चल रही, तब तक, तक different है। वो जो चल गई अब चूंकि उसकी चली थी तो उसने फूड पे फोकस कर दिया ना हो फूड ब्लॉगर बिल्कुल और बहुत सारी मिसालें हैं इस तरह की ठीक है लाहौर में तीन लोगों की वीडियो भूख ना भी लगी हो ना देख के आपको भूख लग जाती है और ये एक एवोल्यूशन भी है कंटेंट क्रिएटर का बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जिस चीज से स्टार्ट लिया अब आइंदा भी वही करते रहे ठीक है आपने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट की है पॉडकास्ट जरूरी नहीं है अब सारी उम्र पॉडकास्ट हो सकता है आपकी एवोल्यूशन हो किसी और चीज पे जाके एंड अप